नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीवी न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित सामुदायिक भवन महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कोरोना वायरस सफाई कर्मचारियों का सम्मान करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया। वह कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित अतिथियों ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं सफाई कर्मचारियों का सेल्फ रेफर से सम्मानित किया गया। महर्षि वाल्मीकि जी का योगदान समाज की एकता एवं भाईचारे रहा है। समाज के सभी लोगों को समाज हित में कार्य करना चाहिए एवं शिक्षित होकर सांस्कृतिक बनना चाहिए एवं शिक्षा दीक्षा से जुड़कर सफाई अभियान कार्य में सभी को हिस्सा लेना चाहिए। आज देश में स्वच्छता को लेकर काफी जागरूकता आई है। आगामी समय जनवरी में स्वच्छता अभियान की मार्किंग होना है, उसमें उमरिया के लिए सर्वोच्च अंक लाने हैं। वही आयोजित कार्यक्रम के दौरान बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह एवं जनप्रतिनिधियों सहित जिले के लोकप्रिय कलेक्टर संजू श्रीवास्तव, नगरपालिका सीएमओ शशि कपूर गढ़पाले, नगरपालिका विभाग के समस्त सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। वाल्मीकि जी का जो योगदान है हमारे समाज की एकता में, हमारे समाज के भाईचारे में अद्वितीय है। उन्होंने बताया कि कैसे जीवन की शुरुआत में रस्सी के रूप में रहकर बाद में फिर सुधरे, शिक्षित बने, संस्कृत पर उनका अधिकार हुआ और उन्होंने कितने अच्छे ग्रंथ की रचना कर डाली थी। हम सब भी उनकी जीवन से शिक्षा ले सकते हैं। अगर हम शिक्षा दीक्षा में ध्यान देंगे तो हमारी किस्मत को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। और यही आज हमें वाल्मीकि जी की जयंती पर प्रण लेना है कि हम अपने प्रयत्नों में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रयत्न चाहे शिक्षा दीक्षा के हों या हमारे शहर को साफ रखने के। साफ सफाई हमारी नगर पालिका का प्राथमिक दायित्व है। पिछले एक साल में मैंने देखा है कि बहुत अंतर आया है, लोगों की सोच में अंतर आया। पहले लोग गंदगी फेंकना अपना कर्तव्य समझते थे कि ये तो भाई गंदगी फेंकना हमारा काम है और सफाई करने के लिए तो इनको पैसा मिलता है, सफाई करने वाले मौजूद हैं, ये सब सफाई करेंगे। इस सोच में अंतर आया है, चाहे वो अर्थदंड के डर से आया हो या अपने आप लोगों ने सोचा है कि हमें शहर उमरिया को साफ रखना है। इस सोच को हमें और आगे बढ़ाना है और जनवरी के जो स्वच्छता अभियान का जो मार्किंग होगी उसमें हमको सर्वोच्च अंक लाने हैं उमरिया के लिए। और यही हमारा सबका इस स्वच्छता के लिए हमारा योगदान होगा। इस समाज में जीने के लिए एक राह बताया उन्होंने, कैसे अपने जीवन को उद्धार करना, तार 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 करना है इस समाज में रहकर। आज वास्तव में वाल्मीकि जी ने रामायण न लिखी होती तो शायद हम अपने जीवन को अच्छे ढंग से न जी पाते। रामायण में कितने हजार श्लोक लिखे हैं उन्होंने, गीता ग्रंथ में कितने लाखों श्लोक लिखे हैं। उस श्लोकों के माध्यम से हम अपने जीवन को उतारते और अपने जीवन जीने की पद्धति को उस श्लोकों के माध्यम से बदलने का काम करें। जय हो वाल्मीकि जी। वास्तव में हिंदू सनातन धर्म के लिए जो उन्होंने काम किया है, ये तो छोटा कार्यक्रम उनके लिए, लेकिन हम कर रहे हैं, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। धर्म को जोड़ने के लिए समरसता कैसे आए, उनका बहुत बड़ा योगदान। उमरिया नगर की सफाई करने वाली मातृशक्ति, नगर को चमन बनाने वाले हमारे भाई, ये आपका नगर है, ये हमारा नगर है। आपको करना है उमरिया का चमन, उमरिया की सफाई सुंदर बनाना है आपको। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला, जुड़े हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, प्यार अब तो मिलता है आजकल किताबों में। रिश्ते नाते झूठे हैं, रिश्तों का झमेला है, जान मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कमारी है,
किससे मांगने जाए हर कोई भिखारी है, कह कहो कि आंखों में आंसू का रेला है, कह कहो कि आंखों में आंसू का रेला है। जान मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है, कल भी मन अकेला था आज भी अकेला। मिशन चल रहा है भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान, उसमें मेरे को यहाँ का उमरिया जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस छोटे से शहर में इतने बड़े जिम्मेदारी देने का मौका मिला। और इस वाल्मीकि महोत्सव के दिन यह एक बहुत अच्छा समय है जो मुझे इन्होंने ऐसा दिया, और मैं उम्मीद अपने हिम्मत इतनी रहेगी अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस शहर को मैं साफ स्वच्छ बनाए रखूं। और सभी उमरियावासियों को वाल्मीकि जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम वाल्मीकि की जयंती पर है, बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगा। और वाल्मीकि ने ये एक बताया कि किस पथ पर थे वो, और जो है कि कितने संघर्ष के क्या उनको कहाँ से ज्ञान प्राप्त मिला, और फिर अपना जो है कि उनका चेंज हुआ, फिर वो एक बहुत बड़े महान कवि बने जिसने रामायण ग्रंथ की जैसे रचना कर रही है। तो हम लोगों से उनसे सीख मिलती है, मिलती रहेगी कि हम लोग जो है कुछ भी करते रहेगा था, जब कहीं ना कहीं से ज्ञान आदमी को प्राप्त होता है तो फिर अपना राह चेंज करके फिर अपने अच्छे ग्रहों पर चलने लगता है। आज वाल्मीकि जयंती है और अपने पूरे देश मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश में वाल्मीकि जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। जो दलित वर्ग के लोग हैं उनका आज उनका सम्मेलन किया गया, कलेक्टर एस पी महोदय उनको सम्मानित किया गया, और ये कहा गया कि वाल्मीकि के पद चिन्हों में चल करके अपने प्रदेश और देश की उन्नति के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। त्रिपाठी कौन बने करोड़पति में 50 लाख का इनाम जीते हैं, उनको भी कलेक्टर साहब सम्मानित किए हैं, उनको आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। वाल्मीकि जी की जयंती मनाई गई जिसमें कि हमारे विधानसभा की विधायक जी और हमारे जिलाधीश महोदय उपस्थित थे, और इसमें हमारे नगरपालिका के सभी स्वच्छता मित्र भी उपस्थित थे, सभी मीडिया वर्ग उपस्थित थे। इन सबके साथ मिलकर आज श्री वाल्मीकि जी की जयंती मनाई गई। निश्चित रूप से आज जो वाल्मीकि जी के विचार थे उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, और हमारे अपने कर्तव्य को बेहतर से बेहतर करने की आवश्यकता है। इसका कार्यक्रम हमारे स्वच्छता मित्रों के साथ और हमारे मुख्य अतिथियों के साथ हुआ, तो आगामी दिवसों में सर्वेक्षण 2022 होने जा रहा है, तो उसी के तहत में हमने एक कड़ी जोड़ा, उसमें हमारे जिले का नाम रोशन करने वाले श्री प्रांशु त्रिपाठी जी को हमारे नगर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आज ये भी गतिविधि जयंती पूरे देश में हमारे हिंदू सनातन धर्म की अनुयायी थी, भारतवर्ष में आज उनकी पूरी जयंती मनाई जा रही है। और हमारे जो नगर के सफाई कर्मी बहने सदैव नगर को साफ सुथरा रखते हैं, इस कार्यक्रम में हम सब कलेक्टर साहब के साथ उनका सम्मान, कोरोना काल में भी हमारे बहुत से सफाई कर्मी कोरोना को न देखते हुए उन्होंने जो मेहनत की है, जो सहयोग किया है समाज के लिए, उनका भी सम्मान इस कार्यक्रम में हुआ है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। महर्षि वाल्मीकि जी हम सबको एक सूत्र में बांधने का जो प्रमाण के माध्यम से हो चाहे गीता के माध्यम से हो जो किया है वास्तव में अद्वितीय है। मैं आप सबको पुनः एक बार महर्षि वाल्मीकि जी एक श्री वाल्मीकि जी द्वारा हमारे आदि ग्रंथ है जो पुराना रामायण का रचना की गई थी, और वो जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं समाज का आज भी हमारे
नगर की साफ सफाई में, हमारे देश की साफ सफाई में जो योगदान है वो अतुलनीय है। इस इन दोनों बातों को स्मरण करने के लिए, इन दोनों बातों का हम अपने ध्यान में रहें और हम उनका सम्मान करें, इसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। माननीय विधायक जी ने यहाँ सम्मान किया सफाई कर्मियों का, जिन्होंने साफ सफाई में अपना पूरा दायित्व निभाया है और उनके बदौलत ही हमारा उमरिया नगर स्वच्छ सर्वेक्षण में अच्छे अंक लाता रहा है और एक बार फिर अच्छे अंक लाएगा, ऐसा हम सबकी आशा है।